ये है ट्राइम की तरफ से आने वाली स्ट्रीट ट्रिपल आरएस जो कि 765 सीसी की बाइक का हम जानने वाले हैं। इसके बारे में कुछ होगा क्योंकि फोर मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेक देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस। सो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है दोस्तों 14,50,000 के आपको पड़ने वाली ऑन रोड प्राइस। बहुत ही कड़क देख रही है दोस्तों। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो आपको मिल जाएगी 220 किलोमीटर के दोस्तों, मतलब 220 किलोमीटर एक घंटे में बाइक जाने वाली है। तो कितनी अच्छी आपको टॉप स्पीड मिल जाती है और भी काफ़ी सारी इसकी खास बातें हैं, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट देखो कितनी गजब की आपको मिल जाती है दोस्तों। हेडलाइट आपको मिल जाती है इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, DRL देखो कितनी कड़क लग रहे हैं, कितनी खूबसूरत सी लग रहे हैं दोस्तों। फ्रंट भी बहुत ही गजब का लग रहा है। हेडलाइट बहुत अच्छी आपको मिल जाती है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक है, अंधेरा होगा जैसे वैसे मतलब ब्राइटनेस बढ़ जाएगी एंड डे टाइम में मतलब धीमी रहने वाली है। यहाँ पे आपको RS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। हैंडल बार आप देखो कितनी गजब की आपको मिल जाती है दोस्तों। इधर भी देखो आप, और मिरर काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं हैंडल बार पे। तो सामने से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। फ्रंट में आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है USD फोक सस्पेंशन जो कि 41mm का रहने वाला है सोवा ब्रांड का, और बॉडी कलर के साथ में एकदम मैच भी करा आप देख सकते हो। थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। तो फ्रंट सस्पेंशन ये रहा, रियर का सस्पेंशन ये आपको मिल जाता है मोनो शॉक सस्पेंशन जो कि काफ़ी अच्छा एंड हाई लेवल का सस्पेंशन है दोस्तों। इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, फ्रंट एंड रियर दोनों एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट में आप कंप्रेसिव एडजस्ट कर सकते हो। और अभी बात कर लेते हैं इसके टायर की। तो टायर आपको TVS मिल जाता है, रेडियल मिल जाता है और बहुत ही अच्छे ब्रांड का मिल जाता है दोस्तों। बहुत अच्छी आपको ग्रिप इसमें मिलने वाली है। टायर साइज आपको फ्रंट मिलने वाली है 120x70 सेक्शन की, और रियर का आप देखो कितना ज़्यादा वाइड है भाई। आप देखो पहले टायर देखो भाई, भाई काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइड आपको टायर मिल जाता है। और टायर साइज आपको रियर मिल जाएगी 180x55 का, एंड व्हील की बात करें 17 इंच के लो व्हील मिल जाएगी फ्रंट एंड रियर दोनों में। और डिस्क ब्रेक आप देखो आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाते हैं, ब्रेम्बो के आपको ब्रेक हेल्पर मिलने वाले हैं यहाँ पे। और रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप व्हील देखो काफ़ी गजब की लग रही है। और आपको इसमें दो डिस्क देखने को मिल जाती है फ्रंट में दोस्तों। आप देखो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ पे देखो कितनी गजब की लग रही है दोस्तों। इससे आपकी ब्रेकिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ब्रेम्बो के ब्रेक हेल्पर मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्टिकर देखने को मिल जाता है, मडगार्ड कुछ ऐसे रहने वाला है दोस्तों। तो ब्रेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। और इंजन भाई बहुत ही गजब का आपको मिल जाता है, जो कि आपको मिल जाता है 16 वॉल्व का इंजन दोस्तों, और 3 सिलेंडर इंजन है इसमें। और इसके मैक्सिमम पावर की बात करें 128.2 BHP का आपको पावर मिल जाएगी। टॉर्क आपको मिलने वाला है 80 न्यूटन मीटर के दोस्तों। पावर आप देखो, तीन चार बाइक की आप पावर मिलाओगे तब जाके इतना आपको पावर मिल जाएगा एंड टॉर्क मिलने वाला भाई, बहुत ही गजब की आपको इस बाइक में पावर मिलने वाले। स्पीड की बात करें टॉप स्पीड आपको 220 की टॉप स्पीड मिलने वाली दोस्तों, बहुत गजब की आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी। 6 स्पीड गियरबॉक्स सिस्टम मिलने वाले हैं। कूलिंग सिस्टम यहाँ पे आप देखो, आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, कितना बड़ा रेडिएटर आप देख सकते हो, बहुत ही हैवी रेडिएटर आपको मिल जाता है। ये 3 सिलेंडर इंजन है तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे हॉर्न रहने वाला है, और इसका एग्जॉस्ट इसका साउंड मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुन के मतलब पागल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बेस इसका मिल के आता है। यहाँ पे आपको टेंट की बैंडिंग देखने को मिल जाएगी, बाकी आप राइडर फुटवेयर ब्रेक पैड आप देख सकते हो। और साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, यहाँ पे 765 की बैंडिंग देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएंगे। और इधर से ओवरऑल बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। टैंक देखो RS की ब्रांडिंग भाई, स्ट्रीट ट्रिपल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और टैंक की बात की थी आपको मिलने वाला 15 लीटर का, कंपनी क्लेम करी है 1 लीटर में 19 के आसपास माइलेज देगी, लेकिन मेरे हिसाब से 15-16 तो आराम से मिल जाएगा। वैसे सुपर बाइक की माइलेज का नहीं पूछते, यहाँ पे टैंक की बैंडिंग मिल जाएगी। और फिट एंड फिनिश भाई सुपर, मतलब एक नंबर है। वैसे भी आप इतने पैसे दे रहे हो तो आपको फिट एंड फिनिश एक नंबर मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे आपको स्ट्रीट ट्रिपल की बैंडिंग देखने को मिल जाएगी। और एक बार मैं आपको फुल व्यू दिखा देता हूँ भाई, ये देखो कितनी कड़क सी लग रही है बाइक, बहुत ही लाजवाब। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। इस बाइक के बारे में आपको ज़्यादा मतलब ऐसे फीचर्स या फिर कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप देख के ही इस बाइक को पसंद कर लोगे। तो काफ़ी कड़क लग रही है, फीचर तो इसमें लोडेड है ही। और मैं आपको टेल सेक्शन दिखा देता हूँ। तो टेल लाइट आप देखो, टेल लाइट काफ़ी प्यारी दिखने मिल जाती है, आपको LED मिल जाएगी, इंडिकेटर भी। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे टायर हजार शायद नहीं दिया गया है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, इसका लुक ऐसे ही मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। और इधर से दिखा दूँ, यहाँ पे सीट कवर वैसे मिलने वाला, जैसे मैंने देखा था चैन ड्राइव आप देख सकते हो दोस्तों। और सस्पेंशन, और ये रहा इधर का व्यू,
टैंक ऐसे को दिखने वाला है, इसमें साइड स्टैंड मिलेगा और इसकी क्वालिटी देखो यार दोस्तों, कुछ अलग ही मटेरियल का दिया है। इसमें आपको साइड स्टैंड या कटऑफ सेंसर मिल जाएगा दोस्तों, वो तो बेसिक है। और अभी हम देख लेते हैं इसका इधर का फुल व्यू। सो इधर से भाई कुछ ऐसे दिखने वाली है, थोड़ा इधर डार्क दिख रहा होगा, मैं साइड से दिखा देता हूँ। सो ये रहा इसका व्यू भाई, कितनी खतरनाक लगी है दोस्तों। उधर से भी आप देख लो गुड। और सीट की बात कर लेते हैं, सीट भाई देखो, मुझे इसके सीट का डिजाइन काफ़ी अच्छा लगा। ट्रैम की जितनी बाइक है उनकी सारी सीट काफ़ी स्टाइलिश आती है, साथ में कंफर्ट के साथ में आती है भाई, कुशनिंग बहुत अच्छी है। ये देख के ही लग रहा है कितना अच्छा आपको कंफर्ट मिलने वाला है राइडर एंड प्रीमियर राइडर को। वैसे भी जैसे जो सुपर बाइक होती हैं उनमें प्रीमियर राइडर को इतना अच्छा कम्फर्ट नहीं मिलता, लेकिन इसमें अच्छा मिलने वाला है दोस्तों, मतलब ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। और ये ग्रैब रेल भाई ये अलग ही मटेरियल से बने हैं, जब आप टच करोगे तो आप फील करोगे। आप देखो कैसे लग रहे हैं, आप लोग कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और टैंक के बारे में बता चुका हूँ आपको, मिलने वाला 15 लीटर का। टॉप स्पीड आपको भाई इसमें मिलने वाले 220 की। अब मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं, एक बार मैं ऑफ करके ऑन करके बताता हूँ। गुड, ये ऑफ हुआ, अब ऑन करता हूँ। सो ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो इसमें आपको TFT डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि फुली डिजिटल है भाई दोस्तों। यहाँ पे आप नाम लिख के आएगा आपके बाइक का और यहाँ पे आपका स्पीड बताने वाला है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे आपका RPM शो करेगा एंड फ्यूल का यहाँ पर बताने वाला है और बाकी अदर इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएंगे, ABS एंड टेम्परेचर के, बाकी राइट लेफ्ट के। और इसमें आपको बता दूँ आपको क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, साथ में आपको स्लीपर क्लच भी मिलने वाला है, आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ से कंट्रोल करना होगा। ये मोड्स राइट लेफ्ट, ये जो ST का बटन मिल जाएगा यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा जो गेम में आपको देखने को मिलता है ना वैसा कुछ है, थोड़ा कूल लग रहा है ये, दोनों काफ़ी अच्छा है। अपर डिपर पासिंग का यहाँ पर मिल जाएगा। और इधर की बात करें भाई, ये थोड़ा राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है। पार्किंग की लाइट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे किल स्विच सेल्फ ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है, होम के स्विच यहाँ पे मिल जाएगी। और सिंगल पीस में रेसिंग हैंडल बार मिलने वाला है। अटेंशन टू डिटेल देखो कितना अच्छा काम किया, ट्रैम की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है, काफी जगह ट्रैम ट्रैम आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ब्रांड वैल्यू बढ़ा देता है। यहाँ पे भी देखो आपको ट्रैम की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और मिरर का व्यू देखो भाई, क्या गजब बाइक है। वैसे मैंने मीटर कंसोल के बारे में सारा डिटेल आपको नहीं बताया, बहुत सारी फीचर्स है भाई, मैं कितने एक्सप्लोर करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल ये रहा इस बाइक के बारे में जानकारी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक कैसी लगी। और मैं आपको इस बाइक पे बैठ के बता देता हूँ बैठने के बाद ये बाइक कैसी लगती है दोस्तों। तो अभी मैं आपको बैठ के बता देता हूँ इस बाइक पे। गुड, ये मैं बैठ गया, मेरी हाइट है 5.9 फीट, मैं बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया हूँ। देखा जाए तो थोड़ी सी हिल ऊपर है, इसकी सीट हाइट है 835 mm के आसपास और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 165 mm के आसपास। और इसके कम वेट की बात करें 188 kg है दोस्तों। और मैं बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया हूँ, मैं इसे सिटी एंड हाईवे कहीं भी चला सकता हूँ भाई, बैठ कैसा लग रहा है। और हैंडल बार मतलब ज़्यादा अपराइट नहीं हो सकते, लेकिन ठीक ठाक है, इसे भी कहीं भी चला सकता हूँ। तो दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताएं मेरे ऊपर ये बाइक कैसी लगी। फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छी लगी भाई दोस्तों, नी मेरा कुछ ऐसे रहने वाला है। और अगर आपको इसकी और प्राइस जानी हो अपनी स्क्रीन पे कमेंट करके बताएं, मैं बता दूंगा। बाकी शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप विजिट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।